आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज छतराणियों के बीच नजर आई। मौका था राजधानी के 8 सिविल लाइंस में आयोजित छतराणी शपथ और प्रशिक्षण कार्यक्रम का। इस दौरान छतराणियों ने सीएम राजे को अपनी समस्याएं बताई तो आगामी चुनाव में प्रदेश में फिर से कमल खिलाने का वादा भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी के 8 सिविल लाइंस में प्रदेश भर की क्षत्राणियों का हुजूम नजर आया। यहां क्षत्राणी शपथ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबोधित किया। उन्होंने राजमाता को याद करते हुए कहा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। वहीं अहिल्या बाई का जिक्र करते हुए कहा कि क्षत्राणियां समाज के लिए कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकती। इसके साथ ही सीएम राजे ने ये भी कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई गलती करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अहिल्या बाई वो ऐसी छतरानी थी जिनने अपने बेटे को हाथी के पैर के नीचे कुचल देने का काम किया था। आपको मैं इतिहास याद दिला दूं, क्यों? क्योंकि उसने लोगों के साथ जितना अत्याचार किया, लोगों ने कहा महारानी ये क्या बड़ा काम आप करने जा रही हो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं चला रही हूँ पूरे प्रदेश को, मेरा पूरा राज मेरे हाथ से चल रहा है, और अगर उसने क्रिमिनल का काम किया है तो मेरे बेटे को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैंने सबको ये कहा कि अगर मेरा बेटा कोई करता है ऐसी बात, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से आई क्षत्राणियों ने राजस्थान में फिर से कमल खिलाने का वादा किया तो सीएम को अपनी समस्याएं भी बताई, जिस पर सीएम राजे ने अफसरों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इससे पहले राजपूत नेता गज सिंह अलसी सर, विहिप नेता नरपत सिंह शेखावत और क्षत्राणियों की ओर से सीएम राजे का भव्य स्वागत भी किया गया। ऐश्वर्य प्रधान के साथ भारत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।